स्टूडेंट्स, हाउ आर यू? वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल पंकज फिजिक्स गुलाटी। स्टूडेंट्स, आज हम पढ़ेंगे बीएससी 4 सैम ऑप्टिक्स 2 यूनिट 4 का एक और इंपॉर्टेंट टॉपिक जिसका नाम है डिस्टॉर्शन एबरेशन। तो स्टूडेंट्स, सबसे पहले आपको एबरेशन पता होना चाहिए। जब एक लेंस किसी ऑब्जेक्ट की प्रॉपर शेप साइज की इमेज नहीं बना पाता तो उसको हम बोलते हैं कि लेंस के अंदर एबरेशन प्रेजेंट है। एबरेशन कई प्रकार की हो सकती हैं, जैसे क्रोमेटिक एबरेशन जिसमें हमें इमेज जो है वो कलर्ड मिलती है, जैसे कि स्फेरिकल एबरेशन जिसमें हमें इमेज जो है वो ब्लर्ड मिलती है, जैसे कि कॉमा एबरेशन जिसमें हमें जो इमेज है ऑब्जेक्ट की, पॉइंट साइज ऑब्जेक्ट की जो इमेज होती है वो हमें कॉमेट की शेप में मिलती है, उसमें हमें सर्कुलर रिंग्स मिलती है जो कि ओवरलैप कर रही होती हैं एक दूसरे के ऊपर और जिनका डायमीटर जो है वो ग्रेजुअली इंक्रीज करता रहता है, तो हमें अल्टीमेटली कॉमेट की शेप देखने को मिलती है। एस्टिगमेटिज्म भी एक प्रकार की एबरेशन है जिसमें पॉइंट ऑब्जेक्ट की जो इमेज है वो ब्लर्ड देखने को मिलती है। बट जो हमारी डिस्टॉर्शन एबरेशन है ये उन सभी एबरेशन से डिफरेंट है। जो आज हम एबरेशन डिस्कस करने वाले हैं जिसका नाम है डिस्टॉर्शन एबरेशन, वो बाकी एबरेशन से कैसे डिफरेंट है, वो इस तरह से डिफरेंट है कि जो बाकी जो एबरेशन हैं वहाँ पर जो इमेज जो है ब्लर्ड मिलती है हमें, इमेज जो है वो शार्प नहीं मिल पाती, जबकि डिस्टॉर्शन एबरेशन में शार्पनेस जो रहती है इमेज की वो अच्छी रहती है, इमेज जो है वो ब्लर्ड नहीं रहती। बट इसमें क्या होता है, जो इमेज का जो साइज और शेप रहती है वो ऑब्जेक्ट और शेप ऑब्जेक्ट की जो शेप और साइज होती है उससे बिल्कुल डिफरेंट होती है। तो मींस जो डिस्टॉर्शन एबरेशन है वो एक शेप रिलेटेड एबरेशन है, इसका शार्पनेस से कोई लेना देना नहीं है। इमेज आपको शार्प मिलेगी बट इमेज का जो शेप होगी वो ऑब्जेक्ट की शेप से बिल्कुल डिफरेंट होगी, उसमें कुछ चेंजेस आएंगे, आपको एग्जैक्ट जैसा कि ऑब्जेक्ट दिखाई दे रहा था जो ऑब्जेक्ट की शेप थी वैसी ही इमेज आपको नहीं मिलेगी, तो हम कहेंगे जो लेंस के अंदर जो है वो डिस्टॉर्शन एबरेशन है। आइए एक डायग्राम के थ्रू समझते हैं कैसे डिस्टॉर्शन एबरेशन में जो इमेज की शेप है वो ऑब्जेक्ट की शेप से बिल्कुल डिफरेंट होती है। सबसे पहले आपको एक थिन कन्वेक्स लेंस लेना पड़ेगा और जिसका एक ऑप्टिकल सेंटर भी बनाएंगे आप, उस ऑप्टिकल सेंटर को डिनोट करेंगे ओ से और एक लाइन जरूर ड्रॉ करेंगे आप जिसको हम बोलते हैं प्रिंसिपल एक्सिस, जो ऑप्टिकल सेंटर से पास होके गुजरती है और दोनों तरफ एक्सटेंड की होती है। तो मान लीजिए आपके पास एक ऑब्जेक्ट है जो कि एक रेक्टेंगुलर वायर मेज की फॉर्म में है, रेक्टेंगुलर वायर मेज स्टूडेंट्स हमें ऐसे दिखाई देगी। तो होना क्या चाहिए था, इस जो ऑब्जेक्ट है हमारा रेक्टेंगुलर वायर मेज की शेप में, इसमें से जो रेज ऑफ लाइट निकलेंगी आफ्टर रिफ्रैक्शन जो है वो ऑब्जेक्ट की बिल्कुल सेम शेप के ही हमें इमेज मिलनी चाहिए थी, यहां पर इमेज शुड बी लाइक दिस, बट इमेज आपको ऐसी नहीं मिलेगी। आपको इमेज कैसी देखने को मिलेगी, आपको दो तरीके की इमेज देखने को मिल सकती है। एक इमेज तो आपको ये देखने को मिल सकती है जो मैं अब आपको ड्रॉ करने जा रहा हूं, ये तो एक तरह की, या तो आपको ये वाली शेप देखने को मिलेगी इस ऑब्जेक्ट की, या फिर दूसरे तरीके से कौन सी इमेज देखने को मिलेगी, दो लाइंस लगा लीजिए बिल्कुल स्ट्रेट बीच में और साथ में इसको यहां से कर्व कर दीजिए। तो आपको रेक्टेंगुलर वायर में जो है वो या तो इस तरह से दिखाई देगी, या तो उसके आउटर पार्ट जो होंगे वो बाहर की तरफ पुल्ड होंगे, या इसके आउटर पार्ट जो है वो अंदर की तरफ पुल किए होंगे। तो मीन्स आपको एग्जैक्ट ऑब्जेक्ट की जो शेप थी वो उस शेप की आपको इमेज नहीं मिलेगी। इस प्रकार के डिस्टॉर्शन को बोलते हैं हम पिन कुशन डिस्टॉर्शन, और इस प्रकार के हम शेप और डिस्टॉर्शन को बोलते हैं बैरल शेप्ड डिस्टॉर्शन। तो डिस्टॉर्शन एबरेशन के दो टाइप्स होते हैं, एक होता है पिन कुशन डिस्टॉर्शन, एक होता है बैरल शेप्ड डिस्टॉर्शन। तो स्टूडेंट, कोई भी लेंस जो है वो डिस्टॉर्शन एबरेशन क्यों प्रोड्यूस करता है, आपको उसी शेप की इमेज क्यों नहीं दिखाई देती जिस शेप का ऑब्जेक्ट होता है, वो इसलिए होता है क्योंकि हम ये जो रेक्टेंगुलर ऑब्जेक्ट है इसको हम मान सकते हैं कि ये बहुत सारे पॉइंट ऑब्जेक्ट से मिला है, मिलके बना हुआ है। मान लीजिए ये बहुत सारे पॉइंट ऑब्जेक्ट है जिनसे मिलके ये एक रेक्टेंगुलर वायर मेज मिलके बनी है। तो क्या होगा, ये जो पॉइंट्स हैं इनका जो डिस्टेंस ऑप्टिक एक्सिस से वो डिफरेंट है, ये वाला पॉइंट जो है ऑप्टिक एक्सिस के पास है, ये वाला पॉइंट जो है ऑप्टिक एक्सिस थोड़ा ऊपर है, ये वाला पॉइंट जो है वो ऑप्टिक एक्सिस से
और ज्यादा ऊपर है। तो डिफरेंट पॉइंट जो होते हैं, पॉइंट ऑब्जेक्ट जो होते हैं, किसी भी एक्सटेंडेड ऑब्जेक्ट को हम मान सकते हैं कि वो बहुत सारे पॉइंट ऑब्जेक्ट से मिला है, और वो पॉइंट ऑब्जेक्ट जो है वो ऑप्टिक एक्सिस से डिफरेंट डिस्टेंस पर होंगे, क्योंकि पॉइंट ऑब्जेक्ट जो है ऑप्टिक एक्सिस से डिफरेंट डिस्टेंस पे है, इसलिए जो लेंस है वो हर पॉइंट ऑब्जेक्ट के लिए डिफरेंट मैग्निफिकेशन प्रोड्यूस करता है। कई बार क्या करता है वो, जैसे जैसे पॉइंट ऑब्जेक्ट्स का डिस्टेंस बढ़ता जाएगा वैसे वैसे लेंस की उन पॉइंट ऑब्जेक्ट्स के लिए मैग्निफिकेशन बढ़ती जाएगी। और कई बार ऐसा होगा कि कई बार आपका जो पॉइंट ऑब्जेक्ट का डिस्टेंस बढ़ता जा रहा है पर जो लेंस उनकी मैग्निफिकेशन प्रोड्यूस करेगा डिस्टेंस बढ़ने के साथ साथ वो कम हो जाएगी। तो दो केस हो सकते हैं आपके, या तो लेंस की मैग्निफिकेशन इन पॉइंट ऑब्जेक्ट्स के लिए पॉइंट ऑफ डेट्स का डिस्टेंस बढ़ने के साथ या तो इंक्रीज होगी, या फिर जो लेंस की मैग्निफिकेशन इन पॉइंट ऑफ डेट्स के लिए इन पॉइंट ऑफ डेट्स का डिस्टेंस ऑप्टिक एक्सिस बढ़ने के साथ साथ वो मैग्निफिकेशन जो है वो डिक्रीज होगी। तो इस कैटेगरीज को हम ध्यान में रखते हुए हम डिस्टॉर्शन एबरेशन को दो टाइप्स में डिवाइड कर सकते हैं, एक होती है पिन कुशन डिस्टॉर्शन, एक होती है बैरल शेप्ड डिस्टॉर्शन। पहले हम डिस्टॉर्शन एबरेशन का रीजन लिख लेते हैं। द मैग्निफिकेशन produced by lens for different object points is different. That is the reason behind distortion aberration produced by lenses. यही reason है कि जो मैग्निफिकेशन प्रोड्यूस करता है लेंस फॉर डिफरेंट पॉइंट ऑब्जेक्ट्स, जो हमारे जैसे हैं ऑब्जेक्ट पॉइंट्स किसी भी एक्सटेंडेड ऑब्जेक्ट में, वो मैग्निफिकेशन जो है वो डिफरेंट रहती है, इसलिए जो हमें इमेज मिलती है उस शेप की नहीं मिलती जिस शेप का ऑब्जेक्ट होता है। तो अब हम देखेंगे नेक्स्ट सेक्शन में डिफरेंट टाइप्स ऑफ डिस्टॉर्शन एबरेशन प्रोड्यूस्ड बाय लेंसेस। तो स्टूडेंट, पिछले सेक्शन में हमने डिस्कस किया था कि डिस्टॉर्शन एबरेशन क्या होती है। जब कोई लेंस उस शेप की इमेज नहीं बना पाता जिस शेप का ऑब्जेक्ट होता है, तो हम कहते हैं कि जो इमेज है उसके अंदर डिस्टॉर्शन एबरेशन प्रेजेंट है। तो जो आपको इमेज मिलेगी उसमें शार्पनेस तो पूरी होगी, इमेज ब्लर्ड नहीं होगी, बट जो इमेज का जो शेप रहेगी वो जो ऑब्जेक्ट की शेप है उससे बिल्कुल डिफरेंट होगी। तो हमने ये भी पढ़ा था कि डिस्टॉर्शन एबरेशन क्यों आती है, क्योंकि हमने जो ऑब्जेक्ट है उसको हमने माना था कि वो बहुत सारे पॉइंट ऑब्जेक्ट से मिलकर बना है। तो लेंस जो मैग्निफिकेशन प्रोड्यूस करता है फॉर डिफरेंट पॉइंट ऑब्जेक्ट्स वो डिफरेंट रहती है, इसलिए जो मैग्निफिकेशन डिफरेंट रहने के कारण डिस्टॉर्शन एबरेशन प्रोड्यूस होती है। तो डिस्टॉर्शन एबरेशन को दो कैटेगरीज में डिवाइड कर सकते हैं। पहली जो होती है वो होती है पिन कुशन डिस्टॉर्शन, और अब हम पढ़ेंगे, और पहले हम लिख लेते हैं कि पिन कुशन डिस्टॉर्शन होती है, फिर हम उसको डायग्राम के थ्रू समझेंगे कि पिन कुशन डिस्टॉर्शन में आपको इमेज जो है वो कैसी देखने को मिलेगी, और उसमें उसकी शेप में, इमेज की शेप में क्या क्या चेंजेस आएंगे, कैसे उसकी जो शेप होगी वो ऑब्जेक्ट से डिफरेंट होगी। तो आइए हम पहले पिन कुशन डिस्टॉर्शन के बारे में लिखते हैं। इफ मैग्निफिकेशन प्रोड्यूस्ड बाय लेंस इंक्रीजेस विद इंक्रीज इन डिस्टेंस ऑफ ऑब्जेक्ट पॉइंट्स फ्रॉम एक्सिस देन आउटर पार्ट्स ऑफ इमेज फील्ड ऑफ व्यू आर पुल्ड आउटवर्ड्स सच काइंड ऑफ एबरेशन इज कॉल्ड पिन कुशन डिस्टॉर्शन। तो अब डायग्राम के थ्रू समझते हैं कि हमने यहां पर क्या लिखा है। तो मान लीजिए आपके पास एक थिन कन्वेक्स लेंस है, एक ऑप्टिकल सेंटर है, यहां पर हमने एक एक्सटेंडेड ऑब्जेक्ट रखा है जो कि एक रेक्टेंगुलर वायर मेज की फॉर्म में है। तो आइडियली अगर ये लेंस एबरेशन फ्री होता तो आपको इमेज कैसी मिलती, आपको इमेज ऐसी मिलती देखने में,
जितनी साइज का जितनी हाइट का ऑब्जेक्ट है बिल्कुल उसी साइज और शेप का आपको इमेज देखने को मिलती। ये तो है आइडियल केस, बट स्टूडेंट ऐसा नहीं होगा क्योंकि जो हमारा ऑब्जेक्ट है रेक्टेंगुलर वायर मेज की फॉर्म में वो बहुत सारे पॉइंट ऑब्जेक्ट से मिलकर बना है। ये देखिए ये पॉइंट ऑब्जेक्ट, ये मान लीजिए एक पॉइंट ऑब्जेक्ट है, ये मान लीजिए एक पॉइंट ऑब्जेक्ट है, ये मान लीजिए एक पॉइंट ऑब्जेक्ट है, ये मान लीजिए एक पॉइंट ऑब्जेक्ट है। ये जो डिफरेंट पॉइंट्स हैं वो अलग अलग हाइट पे हैं फ्रॉम ऑप्टिक एक्सिस। तो जो लेंस मैग्निफिकेशन प्रोड्यूस करेगा जैसे जैसे इन पॉइंट ऑब्जेक्ट्स का डिस्टेंस बढ़ता जाएगा ऑप्टिक एक्सिस से, वैसे वैसे जो मैग्निफिकेशन प्रोड्यूस होगी इन पॉइंट ऑब्जेक्ट्स की लेंस के कारण वो बढ़ती जाएगी। तो अगर वो मैग्निफिकेशन बढ़ रही है विद इंक्रीज इन डिस्टेंस ऑफ दिस पॉइंट ऑब्जेक्ट्स फ्रॉम द एक्सिस, तो आपको जो इमेज है वो देखने में कैसे मिलेगी, आइए वो देखते हैं। आपको ऐसी इमेज देखने को मिलेगी ऐसी इमेज देखने को मिलेगी इसके जो इमेज के जो आउटर पार्ट्स होंगे वो आपको ऐसा लगेगा वो खींचे हुए हैं बाहर की तरफ, क्योंकि जो मैग्निफिकेशन है लेंस की पॉइंट ऑब्जेक्ट्स के लिए विद इंक्रीज इन डिस्टेंस ऑफ दिस पॉइंट ऑब्जेक्ट्स वो मैग्निफिकेशन बढ़ती जा रही है। तो आपको जो आउटर पार्ट्स है इमेज के वो खींचे हुए नजर आएंगे, बाहर की तरफ पुल हुए हुए नजर आएंगे। तो इस प्रकार के डिस्टोर्शन को हम बोलते हैं पिन कुशन डिस्टोर्शन। तो अब एक बार देख लेते हैं हमने लिखा क्या है। If magnification produced by lens increase with increase in distance of object points from the axis, अगर magnification जो lens produce कर रहा है अलग अलग object points के लिए वो increase हो रही है उन object point के distance के साथ साथ, कौन सा डिस्टेंस, ऑप्टिक एक्सिस है डिस्टेंस, वो अगर इंक्रीज हो रहा है डिस्टेंस तो मैग्निफिकेशन भी जो लेंस प्रोड्यूस कर रहा है वो भी इंक्रीज हो रही है। तो आपको देन द आउटर पार्ट्स ऑफ इमेज फील्ड ऑफ व्यू आर पुल्ड आउटवर्ड्स, जो आउटर पार्ट्स होंगे इमेज के वो बाहर की तरफ खींचे होंगे जबकि जो अंदर वाले पार्ट्स होंगे वो ऐसे ही रहेंगे। तो आपको जो इमेज मिलेगी वो उस शेप की नहीं मिलेगी जिस शेप का ऑब्जेक्ट था। तो इस प्रकार के डिस्टोर्शन को बोला जाता है पिन कुशन डिस्टोर्शन। नेक्स्ट सेक्शन में हम पढ़ेंगे सेकेंड टाइप ऑफ डिस्टोर्शन एबिलेशन। तो चलिए स्टूडेंट पढ़ते हैं सेकेंड टाइप ऑफ डिस्टोर्शन जिसका नाम है बैरल शेप डिस्टोर्शन। अगर स्टूडेंट जो डिफरेंट पॉइंट ऑब्जेक्ट्स है जैसे जैसे उनका डिस्टेंस बढ़ेगा, अगर जैसे जैसे डिस्टेंस बढ़ने के साथ पॉइंट ऑब्जेक्ट्स का मैग्निफिकेशन जो प्रोड्यूस हो रही है लेंस के कारण वो अगर डिक्रीज हो रही है तो आपको जो आउटर पार्ट्स हैं इमेज के वो अंदर की तरफ खींचे हुए मिलेंगे। तो आपकी जो इमेज है वो उस शेप की नहीं बनेगी जिस शेप का ऑब्जेक्ट था। आइडियली आपकी इमेज ऐसी बननी चाहिए थी, जिस शेप का ऑब्जेक्ट है उसी शेप की आपकी इमेज बननी चाहिए थी। ये है आइडियल केस। बट एक्चुअल केस में क्या होगा, एक्चुअल केस में जो इसके आउटर पार्ट्स हैं इमेज के वो अंदर की तरफ खिंच जाएंगे तो आपको जो इमेज मिलेगी वो एक बैरल शेप इमेज मिलेगी। ये है आपका एक्चुअल केस, आपको बैरल शेप्ड इमेज मिलेगी जो कि बिल्कुल ही ऑब्जेक्ट की शेप से डिफरेंट होगी। तो ऐसी डिस्टोर्शन को हम बोलते हैं बैरल शेप डिस्टोर्शन। जो हमने पीछे लिखा था अभी पिन कुशन डिस्टोर्शन, वहां पे हमने क्या लिखा था, वहां पे हमने लिखा था इफ मैग्निफिकेशन प्रोड्यूस बाय लेंस इंक्रीजेस, यहां हमने डिक्रीज कर देना है, बाकी चीज सेम रहेगी। विद इंक्रीज इन डिस्टेंस ऑफ ऑब्जेक्ट पॉइंट फ्रॉम द एक्सिस देन आउटर पार्ट्स ऑफ इमेज फील्ड ऑफ व्यू आर पुल्ड आउटवर्ड लिखा था हमने पिन कुशन डिस्टोर्शन में, यहाँ आपने इनवर्ट कर देना आउटवर्ड की जगह, बाकी चीज सेम रहेगी। यहाँ पर आपने पिन कुशन की जगह लिख देना है बैरल शेप डिस्टोर्शन और ऑफ कोर्स डायग्राम तो चेंज होगा। पिन कुशन डिस्टोर्शन में बाहर की तरफ आउटर पार्ट्स खींचे जा रहे थे और इसमें जो है वो अंदर की तरफ आउटर पार्ट खींचे जाएंगे। तो आपकी जो शेप है वो इस तरह की हो जाएगी, इस रेक्टेंगुलर वायर मेज का जो हमने ऑब्जेक्ट लिया था वो आपको ऐसा दिखाई देगा। तो ये थी स्टूडेंट्स सेकंड टाइप ऑफ डिस्टोर्शन जिसका नाम था बैरल शेप डिस्टोर्शन। आइए अब देख लेते हैं हमने लिखा क्या है। इफ मैग्निफिकेशन प्रोड्यूस बाय लेंस डिक्रीजेस विद इंक्रीज इन डिस्टेंस ऑफ ऑब्जेक्ट पॉइंट फ्रॉम एक्सिस, अगर लेंस के द्वारा प्रोड्यूस की जाने वाली मैग्निफिकेशन डिक्रीज होती है उन ऑब्जेक्ट पॉइंट के लिए जिनका डिस्टेंस जो है वो ऑप्टिक एक्सिस से बढ़ता जा रहा है, देन आउटर पार्ट्स ऑफ इमेज फील्ड ऑफ व्यू आर पुल्ड इनवर्ड, जो आउटर पार्ट्स होंगे इमेज के वो अंदर खींचे हुए होंगे। तो इस टाइप ऑफ डिस्टोर्शन को बोलते हैं बैरल शेप डिस्टोर्शन। तो आप ये डायग्राम बना के आएंगे इसमें स्टूडेंट्स। अब हम पढ़ेंगे कि जो डिस्टोर्शन है वो एक तो इस कारण आ रही है कि जो मैग्निफिकेशन रहती है और लेंस के द्वारा जो प्रोड्यूस होती है मैग्निफिकेशन फॉर डिफरेंट पॉइंट ऑब्जेक्ट्स वो डिफरेंट रहती है। एक दूसरा कारण भी है डिस्टोर्शन एबिरेशन प्रोड्यूस होने का, आइए नेक्स्ट सेक्शन में हम वो डिस्कस करते हैं।
स्टूडेंट्स, डिस्टोर्शन इमेज प्रोड्यूस होने का एक और कारण भी है स्टूडेंट्स। अगर हमने स्फेरिकल एबरेशन रिड्यूस करनी है, आपको अगर स्फेरिकल एबरेशन नहीं पता तो आप स्फेरिकल एबरेशन वाला वीडियो जरूर देखिए। मैंने स्फेरिकल एबरेशन और टाइप्स ऑफ स्फेरिकल एबरेशन के ऊपर एक वीडियो बनाया था। तो स्फेरिकल एबरेशन को रिमूव करने के लिए हम यूज करते हैं सर्कुलर अपर्चर्स। सर्कुलर अपर्चर कैसे यूज होते हैं और उनको हम बोलते हैं स्टॉप्स, वो कैसे वर्क करते हैं, उसके लिए मैंने मेथड्स टू रिमूव स्फेरिकल एबरेशन नाम का वीडियो बनाया था, वो जरूर देखिएगा आप स्टूडेंट्स। बट स्टूडेंट्स, स्टॉप्स को यूज करने से मीन सर्कुलर अपर्चर को यूज करने से स्फेरिकल एबरेशन तो कम हो जाती है, बट उसके अंदर एक नई प्रकार की एबरेशन का जन्म हो जाता है, नई प्रकार के एबरेशन प्रोड्यूस हो जाती है जिसको हम बोलते हैं डिस्टोर्शन एबरेशन। ये देखा गया कि डिपेंड करता है कि आपने स्टॉप को मीन सर्कुलर अपर्चर को लेंस के आगे यूज किया है या फिर लेंस के पीछे यूज किया है। अगर लेंस के आगे यूज करोगे तो आपको जो डिस्टोर्शन मिलेगी वो पिन कुशन डिस्टोर्शन मिलेगी, अगर लेंस के पीछे यूज करोगे स्टॉप को स्फेरिकल एबरेशन रिड्यूस करने के लिए तो आपको जो डिस्टोर्शन मिलेगी वो आपको मिलेगी बैरल शेप डिस्टोर्शन। स्टूडेंट, डायग्राम के थ्रू समझते हैं हम किसके बारे में बात कर रहे हैं। तो स्टूडेंट्स, हम एक थिन कन्वेक्स लेंस बनाते हैं और साथ में पहले हम यूज करेंगे स्टॉप को लेंस के आगे। तो हमें यहां पे एक ऑब्जेक्ट लगाना पड़ेगा ए बी। स्टूडेंट, एक रे आप यहां से निकालिए ऑप्टिकल सेंटर से और दूसरी रे जो है वो आप यहां से लेके आइए ऊपर से। ये यहां से रिफ्रैक्ट होने के बाद यहां जाएगी, एक और रे लेके आइए और उसको उसी पॉइंट में मिला दीजिए जहां पर पहली रे मिल रही है। तो आपको यहां पर इमेज देखने को मिलेगी, यहां पर ए डैश बी डैश। तो यहां पर हमने स्टॉप लगा रखा है जो नीचे वाले पार्ट से जो रेज आ रही है उनको ब्लॉक करेगा और बाकी जो रेज होंगी चाहे वो आउटर पार्ट से आ रही है चाहे वो नीचे वाले पार्ट से आ रही है उन सबको ब्लॉक करने के लिए हमने यहाँ पर स्टॉप यूज कर लिया। बट स्टूडेंट, अगर जब आप स्टॉप यूज करते हो लेंस के आगे तो आपको इमेज जो है वो ऐसी नजर नहीं आएगी। मान लीजिए आपका ऑब्जेक्ट इस शेप पर था, रेक्टेंगुलर वायर मेज की फॉर्म में था। जब हम डिस्टोर्शन एबरेशन स्टडी करेंगे तो आपको ऑब्जेक्ट इसी शेप का लेना है, ये चीज आप ध्यान रखेंगे। रेक्टेंगुलर वायर मेज मीन्स एक रेक्टेंगुलर जाली जो होगी उसमें होल्स होंगे बीच में और उसमें वायर्स लगे होंगे, इस फॉर्म में आप ऑब्जेक्ट को लेंगे तो आपकी जो ऑब्जेक्ट की इमेज है वो ऐसी बननी चाहिए, आइडली वो ऐसी बननी चाहिए। बट वो ऐसी नहीं बनेगी, वो बनेगी इस प्रकार से। मतलब उस इमेज के जो आउटर पार्ट्स होंगे वो बाहर की तरफ पुल हो जाएंगे, मीन्स आपको जो पिन कुशन इमेज देखने को मिलेगी। ये डायग्राम भी आप स्टूडेंट डिस्टोर्शन वाले क्वेश्चन में आप बना के आएंगे। अगर आपको क्वेश्चन आता है व्हाट इज मीन्ड बाय डिस्टोर्शन एबरेशन एंड व्हाट आर द वेज टू रिमूव डिस्टोर्शन एबरेशन, तो आप उसमें ये भी एक्सप्लेन करेंगे कि अगर हम लेंस के आगे स्टॉप को यूज करते हैं तो आपका जो रेक्टेंगुलर वायर मेज की शेप पर जो ऑब्जेक्ट है वो उस शेप का नहीं मिलेगा, आपको आउटर पार्ट जो है वो बाहर की तरफ खींचे हुए मिलेंगे, मीन्स आपको पिन कुशन इमेज देखने को मिलेगी जिसमें प्रेजेंट होगी पिन कुशन डिस्टोर्शन। तो ये केस था जब हमने स्टॉप को लेंस के आगे यूज किया। अगर हम स्टॉप को लेंस के पीछे यूज करेंगे तो आपको दूसरे प्रकार की डिस्टॉर्टेड इमेज देखने को मिलेगी, वो डिस्टॉर्टेड इमेज को हम बोलेंगे बैरल शेप्ड डिस्टोर्शन। चलिए स्टूडेंट्स, अब बनाते हैं सेकेंड डायग्राम जब हम स्टॉप को लेंस के पीछे यूज करेंगे। तो स्टूडेंट देखते हैं कि स्टॉप को लेंस के पीछे यूज करने से कैसे आपको डिस्टॉर्टेड इमेज देखने को मिलती है। तो सबसे पहले आप बनाएंगे एक कन्वेक्स लेंस। पिछली बार हमने स्टॉप को आगे यूज किया था ताकि जो नीचे से रेज आ रही थी रिफ्रैक्ट होके वो ना पहुंचे हमारी स्क्रीन तक। अब हम स्टॉप को यूज करेंगे लेंस के पीछे। सबसे पहले हम एक ऑब्जेक्ट बनाएंगे। तो सबसे पहले एक ऑप्टिकल सेंटर से आप जरूर लेके जाएंगे, जैसे हम पिछले केस में भी लेके गए थे। हमने स्टेप बाय स्टेप बनाना है, डायग्राम में आप कोई गलती नहीं करेंगे, डायग्राम बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। डायग्राम जितना नीट एंड क्लीन आप बना सकें उतना बना के आएंगे। दो रेज लेके आएंगे और इन रेज को ये जहां रे गई थी उसके ऊपर मिलाना है। पिछली बार हमने नीचे मिलाया था इन दो, इन स्टेप्स का आप ध्यान रखेंगे तो आपको यहां पर इमेज देखने को मिलेगी। तो मान लीजिए आपका जो ऑब्जेक्ट था, मैं बार बार कह रहा हूं जब हमें डिस्टोर्शन इमेज स्टडी करनी है, डिस्टोर्शन एबरेशन स्टडी करनी है, तो आपको रेक्टेंगुलर वायर मेज की फॉर्म में ऑब्जेक्ट लेना है, उससे आपको क्लियरली अंडरस्टैंड होगा। अब यहां पे हमने लगा दिया स्टॉप लगा दिया हमने यहां पर। वो स्टॉप क्या करेगा,
जितने भी रेज जो हैं वो ए पॉइंट से निकलकर ऊपर वाले पार्ट में आएंगी, ये वाली रेस, ये जितनी भी रेज होंगी सारी ब्लॉक हो जाएंगी स्टॉप के थ्रू, और हमें जो इमेज मिलेगी वो सिर्फ नीचे वाले पार्ट से जो रेज रिफ्लेक्ट होके आएंगी तो वैसे ही मिलेंगी। तो इस केस में आपको आइडियली आपको ऐसी इमेज मिलनी चाहिए थी, पर आपको ऐसी इमेज ना मिलके आपको ऐसी इमेज देखने को मिलेगी जिसके आउटर पार्ट जो होंगे वो अंदर की तरफ पुल होंगे। तो आपको ऐसी इमेज देखने को मिलेगी, तो मीन्स इस शेप को बोलते हैं हम बैरल शेप्ड इमेज, मीन्स इसके अंदर डिस्टोर्शन प्रोड्यूस हो गया जिसको हम बोलते हैं बैरल शेप्ड डिस्टोर्शन, और इस डिस्टोर्टेड इमेज को बोलते हैं बैरल शेप्ड इमेज। तो स्टूडेंट अब हमने देख लिया कि कैसे हम स्टॉप्स को, ये हमारा स्टॉप है, स्टॉप बेसिकली सर्कुलर अपर्चर होते हैं जो कि एक पर्टिकुलर लाइट रेस को ही आगे जाने देते हैं, बाकी रेस को ब्लॉक कर देते हैं। ये हम यूज करते हैं स्टॉप्स को स्फेरिकल एबरेशन को रिमूव करने के लिए, बट हम स्टॉप्स को यूज करके स्फेरिकल एबरेशन तो रिमूव कर लेते हैं, बट एक नई प्रकार की एबरेशन का जन्म हो जाता है जिसको हम बोलते हैं डिस्टॉर्शन इमेज। तो स्टॉप्स को लेंस के आगे यूज करो चाहे पीछे यूज करो तो आपको डिस्टॉर्टेड इमेज ही देखने को मिलेगी, मीन्स आपको उस शेप की इमेज नहीं मिलेगी जिस शेप का ऑब्जेक्ट था। तो स्टूडेंट ये था डिस्टोर्शन एबरेशन और उसके टाइप्स, मैं आपको फटाफट जल्दी से रिकॉल कर दूं आज हमने क्या क्या पढ़ा। डिस्टोर्शन एबरेशन तब प्रोड्यूस होती है जब लेंस जो है उस शेप की इमेज नहीं बना पाता जिस शेप का ऑब्जेक्ट था। तो आपको इमेज जो है वो शार्प तो मिलेगी बट उस शेप की नहीं होगी जिस शेप का ऑब्जेक्ट था। डिस्टोर्शन इमेज इसलिए प्रोड्यूस हो रही थी क्योंकि जो मैग्निफिकेशन प्रोड्यूस कर रहा था लेंस फॉर डिफरेंट ऑब्जेक्ट पॉइंट्स वो डिफरेंट था। और हमने ये भी देखा कि कैसे हम स्टॉप्स को यूज करने पर जो हमें इमेज मिल रही थी वो डिस्टॉर्टेड इमेज मिल रही थी। तो डिपेंड करता है कि जो मैग्निफिकेशन है वो इंक्रीज हो रही है या डिक्रीज हो रही है विद इंक्रीज इन डिस्टेंस ऑफ पॉइंट ऑब्जेक्ट फ्रॉम द एक्सिस। आपको डिस्टॉर्शन एबरेशन को दो कैटेगरीज में डिवाइड कर पा रहे थे, एक था पिन कुशन डिस्टॉर्शन जिसमें इमेज के जो आउटर पार्ट से वो बाहर की तरफ पुल हुए हुए थे, और एक थी बैरल शेप डिस्टोर्शन जिसमें इमेज के आउटर पार्ट जो थे वो अंदर की तरफ पुल हुए हुए थे। तो स्टूडेंट नेक्स्ट वीडियो में पढ़ेंगे कैसे हम डिस्टोर्शन एबरेशन को रिमूव कर सकते हैं। आई होप आपको आज का वीडियो समझ आया होगा, तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू सो मच।